हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूज क्लास। इंग्लिश ग्रामर में आज हम क्लास 5 की रेसिप्रोकल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के वर्कशीट देखेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ओलंपियाड में और आपके स्कूल के सिलेबस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होते हैं आप वो ईजिली कर पाएँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे कि हमारा चैनल ग्रो कर सके, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने से हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमें वर्कशीट सॉल्व करने के लिए पहले प्रोनाउंस को पूरा जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो में भी मैंने प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया है। व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और अ नाउन फ्रेज। यह नाउन के बदले मतलब संज्ञा के बदले में यूज़ होने वाला एक शब्द है। मतलब जब हम नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, बार बार यूज़ करने पर अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एग्जांपल, राहुल इज़ ए बॉय। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी राहुल इज़ ब्रदर ऑफ निशा, तो यह सुनने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकती हूँ, राहुल इज़ ए बॉय, ही इज़ ए ब्रदर ऑफ निशा। मतलब बार बार किसी का नाम लेने से बेटर है हम वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करें। रक्षा इज़ अ मदर, She loves her child। यहाँ पे रक्षा के बदले हम प्रोनाउन क्या यूज़ कर रहे हैं? She। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, कितने काइंड हैं वो सारे पहले देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिलेटिव और पॉजिटिव ये दो प्रोनाउन के वर्कशीट हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और आज के इस वीडियो में हम पर्सनल और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के वर्कशीट देखेंगे। मैं अलग अलग वर्कशीट इसलिए आपको करवा रही हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल भी यह मिक्स ना हो माइंड में, आप इजीली क्लियर कर पाए कि कौन सा प्रोनाउन कब यूज़ करना है। तो पहले हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या है। This pronoun is used to represent a person, place or thing। ये सबसे easy वाला pronoun है जो हम class 1 से पढ़ रहे हैं। First person के लिए हम use करते हैं I, me, us, we। मतलब जब हम अपनी बात करते हैं तब हम इनका use करते हैं। Second person मतलब जब हम दूसरे को कहते हैं, you use होता है second person। Third person जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं हम, ही, शी, हिम, हर, इट, दे, देम। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। ही इज अ बॉय, ही इज ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन। गिव मी अ चॉकलेट, यहाँ पे क्या है, मी। लास्ट में है दे आर कमिंग, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है दे। तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया। नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये क्या होता है? प्रोनाउन यूज टू पॉइंट टू टू और मोर पीपल हु आर सब्जेक्ट्स ऑफ द सेम वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब एक ही वर्ब है लेकिन दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। There are two reciprocal pronouns, each other and one another। दो ही है तो ये बहुत ईजी आइडेंटिफाई करना, एक each other होता है, एक one another होता है। Each other हम कब यूज़ करते हैं? जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो जनरली हम each other यूज़ करते हैं, और one another जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो one another यूज़ करते हैं। Examples, these टू किड्स लव ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर क्यों है? क्योंकि दो जन की बात हो रही है, टू किड्स, इसलिए ईच अदर। दे कॉन्ग्रेचुलेट वन अनदर आफ्टर द एग्जाम्स। दे मतलब दो से ज़्यादा लोग, तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, वन अनदर। तो इसका यूज़ भी बहुत सिंपल है।
तो पर्सनल प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत सिंपल है, इसकी वर्कशीट हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउंस, टिक द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे जो करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है उसे हमें टिक करना है। फर्स्ट, डू यू ऑब्लिक ही अंडरस्टैंड माई स्पीच। तो यहाँ क्या आना चाहिए, डू यू अंडरस्टैंड माई स्पीच, सो आई विल टिक यू। नेक्स्ट, जॉन हैज डन इट ऑब्लिक हिज सक्सेसफुली। जॉन हैज डन इट सक्सेसफुली। शी ऑब्लिक ही लेफ्ट हर कलर बुक एट होम। हर है यहाँ पे, तो क्या आएगा, शी लेफ्ट हर कलर बुक एट होम। आई ऑब्लिक यू एम सिटिंग ऑन द चेयर। एम मतलब आई ही होना चाहिए, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, सो आई विल टेक आई। ही ऑब्लिक दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। आर का यूज हुआ है, मतलब प्लूरल होना चाहिए, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। कैन यू कम टू द ऑडिटोरियम विथ वी ऑब्लिक अस। कैन यू कम टू द ऑडिटोरियम विथ अस, हमारे साथ। राजू हैज टेकन हिज पेन विथ देम ऑब्लिक हिम। अब उसने अपना पेन तो अपने ही साथ लिया होगा ना, तो राजू हैज टेकन हिज पेन विथ हिम, आई विल टेक हिम। तो पर्सनल प्रोनाउन का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये। अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की वर्कशीट। क्वेश्चन इज सेम, टेक द करेक्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर या वन अनदर आपको टिक करना है। रूल तो पता है आपको, ईच अदर दो जन, वन अनदर दो से ज़्यादा लोगों की जब बात होती है। फर्स्ट, वी ऑल शुड लर्न टू हेल्प ईच अदर वन अनदर। यहाँ पे वी ऑल कहा है तो मतलब दो से ज़्यादा लोग, सो आंसर विल बी वी ऑल शुड लर्न टू हेल्प वन अनदर, सो आई विल टेक वन अनदर। नेक्स्ट, माई सिस्टर एंड आई हेल्प ईच अदर वन अनदर इन आवर वर्क। दो जन की बात हो रही है, माई सिस्टर एंड आई, मैं और मेरी बहन, तो क्या होना चाहिए, ईच अदर। नेक्स्ट, रेसिडेंट्स इन आवर सोसाइटी शुड बी फ्रेंडली टू ईच अदर ऑब्लिक वन अनदर। अब सोसाइटी में जो लोग रहते हैं कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए, रेसिडेंट्स इन आवर सोसाइटी शुड बी फ्रेंडली टू वन अनदर। वी ऑल हैव टू वर्क टूगेदर एंड कीप फेथ ऑन वन अनदर ऑब्लिक ईच अदर। वी ऑल मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे वन अनदर, वी ऑल हैव टू वर्क टूगेदर एंड कीप फेथ ऑन वन अनदर। नेक्स्ट, दीज टू सिस्टर्स ऑलवेज फाइट विद ईच अदर वन अनदर। दीज टू लिखा है तो दो जन, तो ईच अदर, दीज टू सिस्टर्स ऑलवेज फाइट विद ईच अदर। नेक्स्ट, द प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम आर फाइटिंग विथ वन अनदर ईच अदर। प्लेयर्स मतलब बहुत सारे, क्रिकेट टीम में कितने होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वन अनदर। रोहन एंड राहुल आर ईच अदर्स ऑब्लिक वन अनदर्स एनिमी। दो जन हैं, रोहन एंड राहुल आर ईच अदर्स एनिमी। तो यहाँ तक के तो आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन बच्चों ने यहाँ तक पूरा सही किया है उनके लिए ये विनर की ट्रॉफी। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।